मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राकेश सिंह यादव ने मध्य प्रदेश भवन विकास निगम एवं पीडब्ल्यूडी पर 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बुधनी मेडिकल कॉलेज में प्राइमरी सरिये की जगह डुप्लीकेट सरिया लगाकर 16 करोड़ लूटे गए हैं। वहीं मंदसौर, नीमच, बुधनी, छतरपुर, सिवनी, श्योपुर में 100 करोड़ से अधिक राशि का भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बुधनी जिला सीहोर सहित 6 मेडिकल कॉलेजों में स्क्रैप से बना अंडरवेट पैरामीटर में अमानक सरिया लगाकर जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि MPBDC अधिकारियों की स्टेट क्वालिटी मॉनिटरिंग ने फर्जी स्टेट सर्टिफिकेट सरिये के लगाकर करोड़ों का घोटाला किया है। सुनिए कांग्रेस नेता में मध्य प्रदेश में बन रहे मेडिकल कॉलेजों में 100 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाते हुए क्या कहा। देखिए, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का केंद्र हो गया है। इंदौर में नगर निगम में 150 करोड़ के घोटाले के बाद अब 100 से 300 करोड़ का घोटाला सामने आया है। मध्य प्रदेश भवन विकास लिमिटेड और PWD के अधिकारियों ने मिलकर 10 मेडिकल कॉलेजों का काम एक ही कंपनी को दे दिया, जो गुजरात की राजकोट की कंपनी है, JK इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कंपनी को जिस मापदंड पर काम दिया गया था उसका पूरा उल्लंघन हुआ है। जिस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है, अगर हम वहाँ देखेंगे जाके, तो जो सरिया इनको उपयोग करना था प्राइमरी सरिया, उसकी जगह स्क्रैप का सरिया उपयोग किया गया है, जो देवास की एक फैक्ट्री में बनाया है, उस पर नकली मार्का लगा के सप्लाई हुआ है। अनेक अधिकारियों ने भुगतान के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनाए टेस्ट रिपोर्ट के, वो भी जारी करने के बाद उसका भुगतान ले लिया गया। 16 करोड़ का घोटाला तो बुधनी के मेडिकल कॉलेज में है और लगभग 10 मेडिकल कॉलेज में 300 करोड़ तक घोटाला जा सकता है। इसकी जाँच की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री से मांग की कि तत्काल FIR दर्ज कराएँ और अधिकारियों को गिरफ्तार करें। ये जो कंपनी है गुजरात की, इसने 8 से 9 IAS अधिकारियों को विदेश यात्राएं परिवार सहित कराई है। इसकी भी जांच होना चाहिए कि ये इतना फ़ायदा ये कंपनी इन लोगों को क्यों दे रही है। बहुत साफ और स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार का पूरा एक बड़ा खेल मोदी सरकार के अंतर्गत खेला जा रहा है।